हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मुझे आपण मानी नहीं गोटे नुआ वीडियो सेटा हूँ कड़ाई मशरूम। जदि आपण मानक मशरूम खाइबा को पसंद आसुथाए ताहले मो रेसिपी निश्चय ट्राए करूँ। आशा करी आपण मानक पसंद आसो। जदि आपण मानक मो चैनल रे सब वीडियो पसंद आसुथाए ताहले निश्चय मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ, वीडियो गुड़ी लाइक करूँ, शेयर करूँ। तबे आसंतु देखिबा कड़ाई मशरूम रा प्रस्तुत प्रणाली। प्रथमे मुझे गोटे कड़ई में तेल गरम करी तेल गरम हो गलापर से प्रथमे मशरूम को पकईक भाजुची। मशरूम को भाजला बेले सब बेले फ्लेम को हाई रखिबे। मशरूम भाजी हो गलापर ताकु मु कड़ई गोटे साइड को करी फ्लेम को लो कर देउची। कटा पियाज कटा कैप्सिकम को पकईक भाजुची। जेतेबेले पियाज कैप्सिकम अल्प भाजी हो मशरूम सहित एमती मिसई देबे आउ अल्प भाजिकी गोटे प्लेट को काढ़ी नेबे। एबे आमे ग्रेवी पाई मसला प्रस्तुत करिबा। सेही कड़ाई रे अल्प टिके तेल गरम करुचे से जीरा लवंग गुजराती गोलमरीच डालचीनी तेजपत्र ए सबू गरम मसला को पकईक टिके भाजी दौची। भाजी हो गलापर से लंका मुझे कंचा लंका व्यवहार करी कंचा लंका अदा रसुण पियाज ए सब कु पकईक अल्प समय भाजीदबा। हल्का ब्राउन कलर आसला जाए पियाज को भाजवा। पियाज भाजी हो गलापर से कंचा टमाटो को काटिक रखी थी सेटा को पकई दूसरी। एवं टमाटो सॉफ्ट हाँपाई से अल्प टिके लुण पकोची। जेहेतु एबे अल्प लुण पड़ी पर जितेबले तरकारी लुण पका हम से मन रखिथे आ देखिकी स्वाद अनुसार लुण व्यवहार करेंगे। एवं मुझे किसी काजू पकई दे कड़ई को घोड़े दूँ। देखु टमाटो सॉफ्ट हो जा एटा ठंडा हो गलापर एटारो फाइन पेस्ट बन नवा। जेहेतु मु आगर दुई थर अल्प अल्प तेल व्यवहार कर सारी एथर बहुत कम अमाउंट तेल व्यवहार करो मसलाटा को भल भाव पेस्ट करी से तेल पकईक अल्प समय भाजवा। मसला प्राय भाजी हो अल्प लुण अल्प हलदी पकईक मिसई दौची। मुझे आगुरी भाजिक रखी मशरूम कैप्सिकम पियाज को पकईक मिसई देबी। एबे आवश्यक अनुसार पानी जी आप ग्रेवी रखा पसंद करेंगे से पानी दियंतु। एबे इटा को कभर कर दियंतु पांच मिनिट पर्यंत मीडियम फ्लेम रे फुटिबा को छाड़ी दियंतु। देखु एबे मोर कड़ाई मशरूम रेडी मुझे अल्प कसूरी मेथी पकईक आउ गोटे मिनिट पर्यंत ताकु कभर करमर गरम गरम कड़ाई मशरूम रेडी एटा को आम सर्व करवा भात कि रुटी सांगे खाइले बहुत भल लगे। जदि आपण मानक मो चैनल एमती सब भिड पसंद आसुए ताल निश्चय सब्सक्राइब करूँ, बेल आइकन हिट करूँ, मो वीडियो गुड़ी को लाइक करूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग।